जो लोग भी माइनिंग मेट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मेटालीफेरस माइंस रेगुलेशन नंबर 47 में माइनिंग मेट की ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बताया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में आप बहुत ध्यान से इस बात को समझें और देखें। आइए शुरू करें हमारा आज का वीडियो माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर। प्रत्येक माइनिंग मेट या कोई दूसरा कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति, जिसे मेटल माइंस रेगुलेशन 116 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, वह नीचे बताए गए सारे प्रावधानों, कानूनों का कड़ाई के साथ पालन करेगा। पहला पॉइंट, पहला का ए, माइंड मेट खान के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर के द्वारा उन्हें सौंपे गए डिस्ट्रिक्ट में चार्ज यानी प्रभार और कंट्रोल यानी नियंत्रण के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। बी पॉइंट, वे यथासंभव एवं तर्कसंगत तरीके से यह सुनिश्चित करेंगे कि एक्ट और रेगुलेशन के समस्त प्रावधानों, उनकी रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताओं एवं उसमें निहित आदेशों का उनके नियंत्रण वाले डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले लोगों के द्वारा पूरी तरह से पालन किया जाए और उनका उल्लंघन होने की स्थिति में वे अपने उच्चाधिकारी, अपने सुपीरियर ऑफिशियल्स को ऐसे उल्लंघन की तुरंत सूचना देंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा का ए, वे रेगुलेशन में आवश्यक बताए गए, चाहे गए सारे निरीक्षण पूरे करेंगे और वैसे ही सारे परीक्षण भी जो बताए गए हैं, आवश्यक बताए गए हैं रेगुलेशन में, उन्हें भी पूरा करेंगे। वे अपने निरीक्षण और परीक्षण के दौरान सारी जानकारी भी इकट्ठी करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं गो फेज है तो वे वहां के सपोर्ट को विशेष रूप से चेक करेंगे। बी पॉइंट, जहां पर भी खान में लगातार पालियों में काम होता है, उस स्थिति, उस कंडीशन को छोड़कर वे डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला निरीक्षण पूरा करने के बाद रेगुलेशन 116, मेटल माइंस रेगुलेशन 116 के अंतर्गत बनाए गए स्टेशन में आएंगे और वहां उपस्थित कामगारों को सुरक्षा निर्देश उनके काम के स्थान के बारे में देंगे। अगर उन्हें लगता है कि कोई विशेष सावधानी भी ली जानी है या ली जानी चाहिए तो वह भी उन सबको बताएंगे, समझाएंगे। सी पॉइंट, अगर उन्हें किसी व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर, उसे नियुक्त किए गए या बताए गए काम के स्थान के अलावा कहीं और पाते हैं तो वे उस व्यक्ति को खान से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं तथा साथ ही साथ इस बात की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दे देंगे। डी पॉइंट, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि खान में कोई भी अनुभवहीन व्यक्ति केवल किसी अनुभवी व्यक्ति की निजी निगरानी या सुपरविजन में ही काम पर लगाया जाए।
तीसरा पॉइंट, तीसरे का ए, वे यह देखेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट से सरफेस तक आने जाने के रास्ते हों और वे रास्ते सुरक्षित बनाकर रखे जाएं। बी पॉइंट, वे अपने उच्च अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट के भीतर टिम्बर या अन्य उपकरण या ऐसी समस्त सामग्री जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जरूरी हो, उन सब की कमी या अभाव होने की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को जरूर देंगे। चौथा पॉइंट, जहां पर उनके डिस्ट्रिक्ट से सरफेस तक आने जाने के दो रास्ते हों और उनमें से साधारणतः जनरली उपयोग में ना आने वाले रास्ते से वे कम से कम 7 दिन में एक बार जरूर आना जाना करेंगे ताकि वे उस रास्ते से भली भांति परिचित रह सकें। पांचवा पॉइंट, पांच का ए, अगर उनके निरीक्षण के दौरान किसी खतरे की सूचना मिलने पर अगर कोई खतरा तुरंत हटाया नहीं जा सकता है तो वे ऐसे समस्त कार्य कर रहे वहां के कामगारों को हटा लेंगे और वहां से तब तक स्वयं नहीं हटेंगे जब तक कि खतरा वहां से उनकी उपस्थिति में ही हट जाए या फिर खतरे के स्थान तक पहुंचने वाले सारे रास्ते सुरक्षित रूप से बंद या फेंसिंग ना कर दिए जाएं ताकि कोई व्यक्ति अचानक खतरे के स्थान तक अचानक ना पहुंचे। बी पॉइंट, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सारे खतरनाक कार्य बताई गई या बनाई गई सुरक्षा और सावधानियों के साथ पूरी सावधानी के साथ किए जाएं तथा ऐसी स्थिति में वे स्वयं उस स्थान पर उपस्थित रहेंगे या जहां पर फाल के मलबा को हटाने का कार्य तथा उसके भीतर सपोर्ट लगाने का कार्य किया जा रहा है ऐसी स्थिति में वे वहां पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। सी पॉइंट, वे ऐसे सारे काम के स्थान वर्किंग प्लेस और उनके विस्तार या उनके एक्सटेंशन को जो कि प्रयोग में नहीं आ रहे हैं उन तक पहुंचने के सारे रास्ते पूरी विड्थ या चौड़ाई भर कर अच्छे से फेंसिंग करवा देंगे ताकि कोई भी कामगार वहां पर अचानक या धोखे से ना पहुंच जाए। डी पॉइंट, यदि उन्हें इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील या नॉक्सियस, हानिकारक, दमघोटू गैसों के जमाव का पता चलता है तो वे मेटल माइंस रेगुलेशन 141 के सारे प्रावधानों का पालन करेंगे तथा ऐसी गैसों को तब तक नहीं हटाएंगे या छेड़ेंगे जब तक कि उन्हें उच्चाधिकारियों से इस कार्य को करने की अनुमति ना मिल जाए। छठवां पॉइंट, उन्हें उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही
या मिलने पर वे तुरंत ही वहां पर पहुंचेंगे तथा दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। जरूरत हो तो रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन भी करेंगे एवं मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर को एक्सीडेंट होने की सूचना देंगे और एक्सीडेंट का नोटिस भी भेजेंगे। 7.1, वे अपनी ड्यूटी का पूरा समय अपने काम पर ही लगाएंगे और अपने नियंत्रण के डिस्ट्रिक्ट को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि या तो उन्हें पहले पूर्व नियुक्त या उनका कोई जोड़ीदार के द्वारा उनको कार्य मुक्त ना कर दिया जाए या पाली का समय समाप्त ना हो जाए। बी पॉइंट 7.B, अगर खान लगातार पालियों में चलती है तो वे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने से पहले अपने रिलीवर मेट सरदार या अन्य कोई कॉम्पिटेंट पर्सन को वे सारी बातें बताएंगे और ऐसी सारी बातें जो उसे जहां पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है ऐसी बातें भी जरूर बताएंगे तथा ऐसी सारी जानकारी भी देंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट और उसमें काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।